नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज देखा जाता है पेट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। किसी को गैस की दिक्कत है, किसी को एसिडिटी है, किसी को चेस्ट बर्निंग सेंसेशन है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन है, किसी को IBS है, और IBS में भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग लक्षण देखने को आते हैं। किसी को मरोड़ होती है, किसी को ऐंठन होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो किसी को लूज मोशन होता है। और ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं ऐसे लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो भी लोग पेट से प्रभावित हैं उनको ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले प्रातःकाल सबको हल्की फुल्की एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करें। सुबह नाश्ते में जो लोग चाय लेते हैं उनको चाय नहीं लेनी, जिनको पेट की समस्या है उनकी बात हो रही है। अगर वो चाय पियेंगे तो उनको एसिडिटी बनेगी, और एसिडिटी बनेगी तो उनका डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा तो उनका पूरा सिस्टम खराब होगा। तो ऐसे लोगों को चाय से बचना है। बहुत सारे लोग सुबह उठकर फल खाते हैं। फल खाना बहुत अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति को सुबह खाली पेट फल फायदा करेंगे ऐसा नहीं है। जिनको अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को खट्टे फल नुकसान करेंगे, जैसे मौसमी या आम जो फीके से खट्टे हुए हैं या जो ऑलरेडी खट्टे हैं, ऐसे फल उन लोगों को नहीं खाने चाहिए, नहीं तो उनको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोग सुबह सलाद खाते हैं तो उनको सलाद से बचना है। मैदा से बनी ब्रेड खाते हैं तो उनको ब्रेड भी नहीं खानी चाहिए। मैदा पेट के रोगियों के लिए जहर है, इस बात का सब लोग ध्यान करें। ऐसे लोगों को मैदा नहीं खानी चाहिए, रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, और नमक कम से कम खाना चाहिए। अगर वो नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक या काला नमक ही खाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दिन में आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, आप सब्जी ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, आप रोटी खाएं। रोटी में कुछ चीजें आप ध्यान करें, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने इस बात को। आप चोकर युक्त आटा प्रयोग करें। आप जब आटा लेते हैं तो उसमें कुछ चीजें आप मिला सकते हैं, जैसे उसमें आप बाजरा ले सकते हैं, जई ले सकते हैं, बहुत चना ले सकते हैं, उसमें आटे के साथ आप पिसवा लें और उसको चोकर सहित आप उसकी रोटी बनाकर खाएं। उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपके जो मोशन क्लियर नहीं होते हैं उसमें बहुत सारी मात्रा में रफेज होता है, फाइबर होगा, जिससे आपका मोशन ठीक प्रकार से हो, ये उसके उसको खाने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने लंच में छाछ का प्रयोग अवश्य करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दिन में पानी कम से कम 10 से 12 ग्लास आप जरूर पिए। हर पेट की व्यक्ति को मैं कहता हूं कि आप दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पिए। पानी जब भी पिए आप फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिए। आप या तो नॉर्मल पानी पिए या आप घड़े का पानी पी सकते हैं। पानी जब भी पिए बैठकर पिए तो आपको फायदा होगा, खड़े होने से आपको पेट के रोगियों को नुकसान होगा। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनका डाइजेशन खराब होता है। रात को आप समय से खाना खाएं, दिन छिपने से पहले खाना खाना चाहिए। खाना आपको जो रात का खाना है, डिनर जो आप लेंगे वो हल्का हो, दिन की अपेक्षा आपको हल्का भोजन करना है। उसमें आप हरी सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। रात के समय आपको कोई सलाद नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना, केवल हल्का खाना खाना है और हरी सब्जियां खानी है। भूख से कम खाएं। अगर आपको 4 रोटी खाने की भूख है तो आप 3 रोटी खाएं, जिससे कि 1/4 भाग आपके शरीर में वायु घूम सके, नहीं तो आपका पेट आप ओवर ईटिंग कर लेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बहुत नुकसान होगा। जिन लोगों को कब्ज रहती है वो रात को आंवले का चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण रात को लें गुनगुने पानी के साथ, सुबह आपका पेट अवश्य क्लियर होगा। जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है उनको एक चीज और बताता हूं, ऐसे लोग रात को 1 चम्मच मेथी पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट वो पानी पी लें, और मेथी को आप चबा सकते हैं। इस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम
आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप अपने खाने में खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाएं। खाना खाया उसके 10-15 मिनट के बाद आप एक चम्मच आधा चम्मच सौंफ खाएंगे, जिससे जो भी आपने खाना खाया वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो। जिससे जिन लोगों की समस्या होती है मेरा पेट फूलता है, तो वो सौंफ खाने से उनको पेट की समस्या, पेट फूलने संबंधी समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिन में आपको पेट की सारी बहुत सारी समस्याओं से, इन छोटे छोटे नुस्खों से आपको लाभ मिलेगा। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में अमल करें तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजों से बिना दवाइयों के आपको इन छोटी छोटी जानकारियों से काफी लाभ मिलेगा। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।